आप सोनू को बेशक बिहार का सेंसेशन मान लें, सिस्टम पर सवाल खड़ा करने वाला बालक भी मान लें, या फिर एक ऐसे बालक के रूप में ट्रीट करें जो पढ़ने लिखने के लिए सीधे सीधे नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपनी बात कह देता है। हकीकत यही है कि जरूरत से ज्यादा तवज्जो देकर मीडिया ने सोनू का जीवन बहुत मुश्किल में डाल दिया है। इसी सोनू को जिस तरीके से मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है, सुबह दोपहर शाम रात जिस तरीके से उसे मीडिया वालों के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है, वह कोई शुभ संकेत नहीं है। ये मीडिया ट्रायल का ही कमाल था कि एक अनजान से बालक सोनू से मिलने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव जैसे हैवी वेट लीडर्स उनके गांव तक चले जाते हैं। सुशील मोदी उससे कुछ आर्थिक सहयोग देने और उसके भविष्य को उज्जवल बनाने की बात करते हैं, तो पप्पू यादव उसे कैमरे के सामने 50,000 रुपए देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये पढ़ना चाहेगा हम पढ़ाएंगे, हमने इसे गोद ले लिया है। सोनू सूद जैसे मददगार भी सोनू की मदद के लिए सामने आते हैं और ट्वीट कर कहते हैं कि बेटा के सबसे नामी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो गया है, वह जब चाहे जाकर पढ़ाई शुरू कर दे। सोनू सूद के इस ऑफर को सोनू अत्यंत विनम्रता के साथ खारिज कर देता है और कहता है कि पहले माननीय नीतीश कुमार जी को एडमिशन करवाने दीजिए, अगर वो नहीं करवा पाए तो बेटा में एडमिशन का देख लेंगे। सोनू से मिलने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दूत भी आए। उन्होंने सोनू को ऑफर दिया कि वह पश्चिम बंगाल चले, वहीं रहे, पढ़े लिखे और IAS बने। एक अनजान बालक रातों रात बिहार का सेंसेशन बन जाता है, यह मीडिया ट्रायल का इफेक्ट है और कुछ नहीं। सोनू की दिक्कत यह है कि वह चूजी हो गया है। वह बेटा के एक इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि CM नीतीश कुमार ने अब तक उसकी मांग खारिज नहीं की है। पप्पू यादव कह रहे थे कि सोनू को जहां पढ़ना हो पढ़े, सोनू को क्या पता कि उसे कहां पढ़ना है। अगर आप उसके हित चिंतक हैं तो उसका बिहार के सबसे बेहतरीन स्कूल में पहले नामांकन करवा देते, फिर मीडिया को जानकारी देते। सोनू चाहता है कि उसका नाम सैनिक स्कूल में लिखवाया जाए। ये संभव कैसे है? सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया लेवल पर परीक्षा होती है, जो उसमें पास होते हैं उनका ही एडमिशन सैनिक स्कूल में होता है। सिर्फ यह कह देने कि वह पढ़ लिख कर IAS बनना चाहता है और उसके स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई नहीं होती, वह सैनिक स्कूल में उसके नामांकन का कोई आधार नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं है कि सोनू किसी अद्भुत प्रतिभा का धनी है, वह एक सामान्य बालक है, सामान्य बालकों वाली हरकतें करता है, उसकी बातचीत थोड़ा ध्यान खींचती है, पर गांव में आपको ऐसे कुछ बालक मिल जाएंगे जो अपनी बोली से आपका ध्यान खींच लेंगे। सोनू 12-13 साल की उम्र में ही जिस मीडिया ट्रायल का शिकार हो गया है, वह उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर उसे पढ़ना ही है तो वह बेटा वाले स्कूल में क्यों नहीं चला जाता? वहां तो उसकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था अभिनेता सोनू सूद कर ही रहे हैं। उसका नवोदय विद्यालय में भी पढ़ने का इंतजाम किया जा रहा था लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? क्या यह उसके चूजी होने का उदाहरण नहीं है? नवोदय में पढ़ने के लिए हजारों बच्चे हर साल टेस्ट देते हैं, उस नवोदय में जाने से वह इनकार कर रहा है तो माना जा सकता है कि वह मनबढ़ हो गया है। कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा इस तरीके से करता है भला? कई बार ऐसा लगता है कि उसे कोई फीड कर रहा है, जो उसे फीड किया जाता है वही बोलता है। ये सब उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आपको एक दृश्य याद होगा जिसमें पप्पू यादव उसे गोद में लेकर बिहार सरकार पर हमला बोलते हैं। तब ऐसा लगता है कि सोनू का इस्तेमाल बिहार सरकार पर हमले के लिए किया जा रहा है। सोनू के साथ जो अभी हो रहा है वह कोई अच्छी चीज नहीं है। एक विद्यार्थी के रूप में उसे पढ़ना चाहिए और जो स्कूल उसे पढ़ने को मिल रहा है वहाँ उसे जाना चाहिए। एक सोनू के चाह लेने से, 2-4 अक्षर बोल देने से बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था सुधरने से नहीं। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।